तो गाइज चलिए वही अभी हो गया है डिनर का टाइम और आज शेयर करते हैं एक साउथ इंडियन रेसिपी। और चटनी वगैरह तो मैंने पहले भी बना रखी है बट मैं डोसा फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए, ये लगा लीजिए ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि ये डोसा बनता है या नहीं बनता। मुझे ऐसा लग रहा है भाई नहीं बनेगा, लेकिन जो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे। इंस्टेंट डोसा, और ये डोसा बनाऊंगी मैं आज सूजी का, और साथ में प्रोसेस बिल्कुल सेम वही रहेगा जो नॉर्मल डोसे का होता है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। और ये देखिए भाई मेरी गुड़िया को, क्या कर रहे गुड्डू? हेलो बोलो, चलो हेलो फ्रेंड्स, आई हाय फ्लैकिश करो, आई लव यू बोलो। तो देखिए भाई कैसे बैठी हुई है कुशन के ऊपर, सोफों के बीच में कुशन के ऊपर ये बैठी हुई है। तो छोटे बच्चे के ये लगा लीजिए कि घर में क्या साफ सफाई आप कितनी रख सकते हैं। मैं कुशन ऊपर रखती हूँ और सेट करती हूँ सोफा, ये दोबारा से वही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए गाइज अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ सोचते सोचते। पहले भाई मैं करी पत्ता लेने के लिए चली गई, तो दो जगह गई, मुझे करी पत्ता ही नहीं मिला। फिर अब मुझे करी पत्ता भी मिल गया है, मैंने वॉश कर लिया है और रेडी कर लिया है मैंने सारा सामान। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज डोसा बनेगा या नहीं बनेगा, लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। तो ये मैंने लगा दिया है ट्राइपॉड में अपना फोन, और इसको कर लेते हैं ऑन। और सबसे पहले हम बनाएंगे वही चटनी, गैस को मैंने कर दिया है ऑन, और यहाँ मैं लूंगी मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं बट मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वैसे भी हमें दो ऑयल हमेशा रखने चाहिए अपने किचन में। तो ये मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा सा डेली रूटीन में जो होते हैं ना क्वांटिटी, उससे मैंने थोड़ा सा लिया है ज्यादा, क्योंकि आज ऑनियन वगैरह टमाटर वगैरह जो भी मैं इसमें डालूंगी चटनी के लिए जो रेडी करूंगी वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा है। तो ऑयल को होने देंगे सबसे पहले हम अच्छे से गरम। तो ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, ये मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ये देखिए राई, तो जैसे ही राई तड़कने लगे ये मैंने सारा सामान लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून है मेरे पास चना दाल, और हमें इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन रखना है नहीं तो जल जाएंगी। ये मैंने ले ली है कच्ची, और ऑयल गर्म है तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर दूंगी। तो ये चटनी बड़ी टेस्टी बनती है, और आप डोसे के साथ कोई भी चटनी ले सकते हैं, कोकोनट चटनी, पीनट चटनी। तो ये मैं बनाऊंगी ओनियन की चटनी, और कोकोनट अभी है नहीं क्योंकि सडनली अभी मेरा बनाने का प्लान हुआ तो वो है नहीं अभी, और बेटे के लिए ये फेवरेट तो मैं यही बना देती हूँ। अभी हल्का सा हमें इसको लाइट ब्राउन रखना है बिल्कुल। तो देखिए अभी ये हो गए हैं लाइट ब्राउन, अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, और गार्लिक को करूंगी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट। हमें इनको अच्छे से भूनना नहीं है, बिल्कुल लाइट रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी ओनियन, ये मैंने लिए हैं 2 ओनियन लिए हैं मैंने ये। तो देखिए भाई हल्के से ये अब सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी बीच में इसमें डालूंगी 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, आप कोई भी डाल सकते हैं बट इसमें रेड चिली का फ्लेवर डिफरेंट आता है। और इसको मैं कर लूंगी अच्छे से सोते,
इसको भी संभाल लेते हैं और बीच बीच में मुझे गुड़िया को भी देखना पड़ता है और मुझे इसको ये हो रहा है कि मेरी चटनी खराब हो जाएगी और गुड़िया भी किसी बिस्तर पर रखी है हिसाब से। और इसको कर लेंगे अच्छे से सोते, ये देखिए हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन इसको करके और देन हम इसमें डालेंगे टमाटर, बस कच्चे नहीं रहने चाहिए। देखिए हो गए हैं बिल्कुल हल्के से आटो और इस टाइम पर मैं डालूंगी इसमें टमाटो और मैंने दो टमाटर लिए हैं, कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से कर लूंगी मिक्स और हल्का सा इसे भी मैं करूंगी सॉफ्ट। देखिए ये हो गया है सॉफ्ट, सॉफ्ट इन द सेंस आपको इसको इस तरीके से रखना है, ये देखिए कि टमाटर जो है आपका इस तरीके से हल्का सा मैश हो जाए, बस ज़्यादा इनको भूनना नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते हैं बट मैं इसको अभी डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया है इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गैस को कर दूंगी मैं बंद। तो इसको मैं चेक करूंगी बाद में, सबसे पहले मैं इसको करूंगी ठंडा। तो ये देखिए इसको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए प्लेट में, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा ठंडा। और तब तक मैं रेडी करूंगी मसाला डोसे के लिए। और हल्की सी ब्राउन हो गई है दाल हमारी, अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर। जिंजर मैंने बाद में इसलिए डाली और क्योंकि पहले अगर मैं डालती ना तो ये तली में चिकन जाती जिंजर, तो इसीलिए मैंने लास्ट में डाली है।
कर लूंगी मैश, और 2 से 3 मिनट में मसाला हो जाएगा रेडी। देखिए भाई ये हो गई है रेडी, और इसमें तड़का लगाऊंगी मैं बाद में, और मसाला भी रेडी हो गया है, इसको मैं करूँगा ठंडा। तो मसाला रेडी हो गया है और भाई जल्दी जल्दी काम, आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे जल्दी जल्दी से मैंने दोनों चीज़ें रेडी करी हैं, और डोसे में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी मैं रेडी कर रही हूँ डोसे के लिए बैटर, और आज मैं बना रही हूँ सूजी का डोसा। तो ये मैंने 2 बाउल के करीब लिया है सूजी, आप मेजरमेंट अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने ली है 1/2 बाउल के अकॉर्डिंग फेटा हुआ दही, और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है गेहूं का आटा। आप इसमें काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है। और नमक मैंने डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब मैं इसको अच्छे से फेट के 15 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूँगी। Thank you.
तो गाइज हो गए हैं भाई क्रिस्पी क्रिस्पी मसालेदार डोसा, और आ जाइए आप से भी कर लीजिए डिनर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को कीजिए शेयर और लाइक, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस हो सकती हैं स्पेशल अगर देंगे आप लोग मेरा साथ। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू एफर्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। तो गाइज आज का डिनर हो गया है भाई फिनिश, और डिनर बना था भाई एक नंबर का। और आप भी जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद कोई न्यू रेसिपी मैंने डाली है। आप कमेंट करके नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता, और मेरे जो आज मैंने एफर्ट्स किए हैं भाई वो मेरे कामयाब हुए, और डोसा मेरा बना बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल क्रिस्पी और काफ़ी टेस्टी रहा। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो अभी मेरा काम हो गया है। और ये देखिए भाई अभी मैंने रखा है दूध वगैरह, और किचन वगैरह सब हो गया है। ये देखिए तो आज का व्लॉग हो जाएगा ज़्यादा लंबा, तो भाई आज का व्लॉग करेंगे यहीं पर ख़त्म। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, आज का व्लॉग हम ख़त्म करेंगे एक टेस्टी टेस्टी चिल्ड मैंगो शेक के साथ। और ये देखिए भाई मैंगो शेक हो गया है रेडी, और वो लोग ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, और नॉर्मल वाला मैंने पहले दिखा रखा है। अब मैं इसके एक अलग से वीडियो रेडी करूँगी जिसमें जो होगा आइसक्रीम शेक, मैंगो विद आइसक्रीम शेक। तो भाई अब ये ले देख लीजिए, और ये गया ग्लास के अंदर, भाई यम्मी यम्मी मैंगो शेक रेडी। और इसके पीस भी रखे हुए हैं भाई मैंगो के, लेकिन हैवी ज़्यादा हो गया खाना, तो मैं मैंगो पीस इसमें नहीं डालूंगी। तो आइए आप सभी भी भाई इंजॉय कर लीजिए मैंगो शेक का, और खाने के बाद जब आपको अगर इस तरीके का कुछ मिल जाए ना भाई यम्मी यम्मी ठंडा ठंडा, तो सारी थकावट उतर जाती है।